हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से 10 क्वेश्चन लेते हैं। अगल बगल की जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जहाँ भी जो पॉइंट ना समझ में आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है क्या, संविधान दिवस, ठीक है? जो भारतीय संविधान है ये क्या है, सबसे सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरी दुनिया का। सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान। और अगर मान लो आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का है लेकिन वो रिटन नहीं है, तो क्या आंसर बनेगा, यूके। यूके के प्रेजेंट में पीएम कौन है, तो आंसर क्या बनेगा, ऋषि सुनक। क्या आंसर बनेगा, ऋषि सुनक, जो कि क्या है, इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस अनुच्छेद में कैग का पद उल्लिखित है? मतलब क्या पूछा गया कि जो कैग है, कंपटीटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसके लिए आर्टिकल हमारे यहाँ संविधान में कौन सा है, तो आंसर बनेगा 148। पूछा जाए कि प्रेजेंट में आर्टिकल सॉरी जो कैग है वो कौन है, तो आंसर क्या है इसका, G.C. मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट, संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर क्या बनेगा इसका, मणिपुर में मनाया जाता है। ये जो फेस्टिवल है वो मेन कहाँ का फेस्टिवल है, चाइना का फेस्टिवल है। संघाई नाम की वहाँ पे एक जगह है, तो याद रखना कि संघाई नाम की जगह पहली बार तो हो सकता है पूछ लिया जाए तो चाइना में, अगर फेस्टिवल पूछा जाए तो इंडिया में मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ होती हैं वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 72 बताता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। कुल कितनी क्षमादान शक्तियाँ होती हैं, 5 क्षमादान शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीस क्या है? ये जो नीस लिखा हुआ है आप इसको नाइस मत पढ़ लेना, ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो नाइस पढ़ेंगे लेकिन ये शब्द आपसे पूछा गया कि ये शब्द अक्सर न्यूज में था, ये है क्या, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ये जगह है, जगह का नाम है, ये क्या है, प्लेस है, और ये है कहाँ पर, तो फ्रांस में है, फ्रांस में ये एक जगह का नाम है नीस, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, ऐसे कोई टर्म आपको दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये अक्सर न्यूज़ में अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज़ में था, इसका मतलब क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो अभी ये पूछा जा रहा है नीस क्या है, तो ऑप्शन बहुत अच्छे, मतलब यहाँ पे तो ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जब पेपर में आपको मिलेंगे तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो याद रखना एक जगह है, कहाँ पर है, फ्रांस में, फ्रांस की जो राजधानी है वो क्या है, पेरिस है, और ये जो पेरिस है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सीनी नदी के किनारे है। किस किनारे के किनारे है, सीनी नदी के किनारे है, और इसका जो बॉर्डर है वो किस सागर के साथ लगता है, भूमध्य सागर के साथ शेयर होता है, ठीक है। जो भूमध्य सागर होता है उसका जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर, ये जो क्लाइमेट वहाँ का है उस तरफ जो सबसे, अगर पूछा जाए किस तरीके के फल होते हैं, तो सिट्रस फूड यानी कि जो खट्टा फल होता है वो जो है भूमध्य जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर एरिया में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, बेसबॉल, ठीक है, जो कि क्या है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज बुक किसने लिखी है, तो ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। और अभी एक चीज़ और याद रखिएगा कि गांधी जी का जो स्टैचू है वो अनवील किया गया है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, ठीक है, कहाँ पर किया गया है, न्यूयॉर्क में किया गया है। और ये जो गांधी जी की स्टैचू अनवील किया वो किसके द्वारा किया गया है, तो एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये अनवील किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाई, मतलब क्या है कि जो 1857 का विद्रोह था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। चार ऑप्शन है, जमींदार, व्यापारी, किसान और सैनिक, मतलब इन चारों में से किसके द्वारा 1857 का विद्रोह स्टार्ट किया गया था, तो आंसर बनेगा क्या, सैन्य, ठीक है, मतलब सैनिकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो आंसर क्या बनेगा, कंचनजंगा, क्या बनेगा, कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक। अगर कंचनजंगा ऑप्शन में ना हो, अगर वहाँ पे ऑप्शन में आपको केटू मिलता है तो केटू मार्क करिएगा, ठीक है। भारतीय हिमालय का पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर आपसे पूछा गया है, मतलब कि जो शिवालिक श्रेणी है वो उसका पश्चिमी और पूर्वी जो बॉर्डर है वो क्या है, तो का आंसर क्या बनेगा, नंगा पर्वत, और यहाँ पर क्या बनेगा, नामचा बर्मा, नामचा बर्मा, ठीक है।
ये हमारे सामने ये हो गया। अब शिवालिक जो श्रेणी है वो क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, हिमालयाज की। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में पूछा गया है कि जो हिमालय पर्वत है उसका सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है, तो आंसर क्या होगा इसका, शिवालिक श्रेणी बनेगा। शिवालिक श्रेणी के बीच मतलब शिवालिक श्रेणी के जस्ट ऊपर कौन सी रेंज आती है, मिडिल हिमालय आती है। मिडिल के ऊपर कौन सी रेंज आती है, ग्रेट हिमालय आती है जिसको हम बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री के ऊपर आता है ट्रांस हिमालय जो कि तीन हिमालयों से मिलकर सॉरी तीन पर्वत श्रेणी से मिलकर बनता है, काराकोरम लद्दाख और जास्कर, ये तीनों आपस में मिलाकर बनाती हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, जहां भी जो पॉइंट ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में आप अच्छे उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक लिए थैंक यू।